सिंघाड़े की सब्जी बहुत नए तरीके से बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है मेरी रेसिपी में। आज हम सिंघाड़े की सब्जी बहुत ही आसानी से बहुत नए तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से आप बना के ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और बिल्कुल नए तरीके से बनती है। बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए यहाँ छिलका वाला हम 500 ग्राम उबला हुआ सिंघाड़ा लिए हैं। आप कच्चा सिंघाड़ा भी ले सकते हैं। इसको ऐसे चाकू से छील लेंगे। आप हाथ से थोड़ा बचा के हाथ छीलिएगा, क्योंकि बहुत टाइट होता है ये। इस तरह से छील लेंगे। अगर छीला सिंघाड़ा है तो उसको भी आप बना सकते हैं, उसका भी सब्जी। इस तरह से हम छील लेंगे। अब सारा छील के तब आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि छीलने में टाइम लगता है। ये पूरा सिंघाड़ा छील लें इस तरह से। अब इसको अच्छे से 2 से 3 पानी धुलेंगे। 2 से 3 पानी बहुत अच्छे से धुलेंगे। सिंघाड़ा छीलने में थोड़ा टाइम लगता है, आप इसे बचा के छील लें, क्योंकि बहुत टाइट होता है। 2 से 3 पानी धुल के साफ हो गया अच्छे से। अब इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। एक छन्नी में इस तरह से छान लेंगे सारा सिंघाड़ा निकाल के, क्योंकि इसका पानी सारा निकल जाए, इसीलिए इस तरह से सारा पानी निकाल देंगे बाहर। अब मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे हम 4 प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर, 8 से 9 ले लिए हैं, लहसुन की कली ले लिए हैं, आधी इंच ले लिए हैं लहसुन, और उसके बाद में 4 ले लिए हरी मिर्च, जिसको काट लेंगे। 3 प्याज काट लिए हैं बारीक, काट लेंगे 1 प्याज तड़के के लिए। अब फ्राई करने के लिए गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं। 2 चम्मच तेल डाल देंगे, बड़ा चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब इसमें सिंघाड़ा डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। इस तरह से बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे। इस तरह से देख लीजिए, सिंघाड़ा बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस इस तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हैं और किसी चीज़ का सब्जी बनाते हैं, फ्राई करते, इसी तरह से। अब जो बचा हुआ तेल है इसमें हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन डाल दिए हैं थोड़ा सा, जब लहसुन हो जाएगा तब इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी थोड़ा सा पकाएंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक थोड़ा सा पका लेंगे प्याज को भी। प्याज जब थोड़ा सा पक जाएगा, तब इसमें आप डाल देंगे हरी मिर्च, डाल देंगे अदरक, डाल देंगे, साथ में डाल के पकाएंगे। अब सारा जब थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा, तब इसमें टमाटर डालेंगे, लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छे से। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के अच्छे से भूनेंगे बराबर चलाते हुए, जो अच्छे से पक जाए सारा। अच्छे से पका लेंगे, 1 से 2 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाता है। बिल्कुल नए तरीके से सिंघाड़ा बनाएंगे हम। बहुत टेस्टी सिंघाड़े की सब्जी बनती है। इस तरह से पक गया है, अब निकाल लेंगे। सारा निकाल लेंगे इसी तरह से। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए 1 चम्मच तेल ले लिए हैं। तेल आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम सरसों का तेल लिए हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा खड़ा मसाला लिए, इसमें से आपको जो मसाले का फ्लेवर नहीं अच्छा लग रहा उसे स्किप कर सकते हैं। अब सारा मसाला इसमें डाल देंगे। मसाला थोड़ा सा भुनेंगे, जब से इसमें से खूब अच्छी खुशबू आने लगे, थोड़ा सा भुनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें 2 सूखा मिर्चा डाल देंगे, हरी मिर्च नहीं, सूखा मिर्चा थोड़ा सा डाल देंगे, 2 हो जाएगा। अब इसमें प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई। प्याज डाल के अब इसे अच्छे से पकाएंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट में अच्छे से पक जाता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हाफ फ्राई करना है। अब इसमें जो मसाला पीस के रखे थे डाल देंगे।
इसमें बहुत बेसिक मसाला डालना है, बहुत कम मसाले का यूज़ करना। अभी तक इसमें कुछ मसाला नहीं डाले हैं। बहुत कम मसाला से और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अब इसमें एक छोटा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, एक टीस्पून जितना। अब आधा टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब धनिया पाउडर डाल देंगे एक टीस्पून। अब अच्छे से चला लेंगे। बहुत बेसिक मसाले से बहुत टेस्टी सब्जी बनके तैयार होता है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल नई रेसिपी है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल के अच्छे से चला लेंगे। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब मसाला ढक देंगे, 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे मसाला को। अब चेक करेंगे मसाला, बीच बीच में चला देंगे, नहीं मसाला नीचे से लग जाता है। थोड़ा सा चला देंगे अच्छे से। अब मसाले में 1 चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला। यहाँ पे हम किचन किंग मसाला लिए, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें कोई भी मसाला का यूज नहीं करेंगे। अब मसाला पकने के लिए ढक देंगे, 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद वापस चेक करेंगे मसाला। मसाला अब तेल छोड़ दिया है बिल्कुल। 4 से 5 मिनट में मसाला अच्छे से पक गया है। देख सकते हैं आप मसाला का कलर भी, आप मसाला का देख सकते हैं। तेल भी छोड़ दिया। अब इसमें 1 कप डाल देंगे हरा मटर। आप हरा मटर डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं स्किप कर सकते हैं। लहसुन प्याज भी आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं लहसुन प्याज भी। इस तरह से आप बनाएंगे सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। अब ढक देंगे, 2 मिनट बाद चेक करेंगे। मटर थोड़ा अच्छे से पक गया है। अब मसाला चला लेंगे अच्छे से। अब इसमें सिंघाड़ा डाल देंगे। इस तरह से सिंघाड़ा डाल देंगे। मेरे यहाँ हम इसे सिंघाड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इस तरह से थोड़ा सा चला लेंगे अच्छे से। अब सिंघाड़े में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। अब अच्छे से मिक्स हो गया, अब चलाएंगे। आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, नहीं ग्रेवी लगाना चाहते तो आप इसमें पानी डाल दें। आज हम ग्रेवी वाला बनाएंगे इसीलिए इसमें पानी डाल रहे हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पानी एक साथ नहीं डालेंगे। एक बार चला लेंगे पानी डाल के। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितना ग्रेवी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से देख लीजिए। अब ढक देंगे, मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे। 2 से 3 मिनट बाद चेक करेंगे एक बार। इस तरह से देख लेंगे सब्जी, अभी अच्छे से नहीं पकी है। एक बार फिर ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह से अब सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, देख सकते हैं आप। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, एक तड़का देंगे। यहाँ पे हम घी लिए हैं, आप घी ले सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसमें छौंक लगाएंगे। इस तरह से छौंक लगाने से सब्जी का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। आप ट्राई करें, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देख सकते हैं कितना टेस्टी सब्जी बना। अब इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, आप इस तरह से बना के ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देख सकते हैं आप ग्रेवी भी कितना अच्छे से पकी है, कितना अच्छा गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी है। अब हम सर्व करेंगे, बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप इसे रोटी, चपाती, पूड़ी किसी के साथ भी खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है ये सब्जी। आप बना के ट्राई करें।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।